हे हेलो दोस्तों, आज मैं आपको टेक न्यूज़ बताने वाला हूँ क्योंकि मैंने कुछ टेक न्यूज़ छांटी हैं जो मुझे अच्छी लगी थी। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साइड में बेल आइकन उनका आएगा उसे ज़रूर प्रेस कर देना, जिससे कि आगे आने वाली जो भी वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए और मेरी वीडियो आप देख सको। सबसे बड़ी न्यूज़, पोको F1 जो आपका मोबाइल के हर एक वेरिएंट में 1,000 रुपये गिराए हैं Xiaomi कंपनी ने, उसने कंफर्म किया है। प्लस F2 जो लॉन्च होगा उसमें कोई ज़्यादा बड़ी उसने अपग्रेड नहीं किया है, उसने वही प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन 845। एंड Xiaomi ने पोको F1 में एंड्रॉयड 9.0 मतलब एंड्रॉयड पाई और प्लस MIUI यूजर इंटरफेस का अपडेट दे चुका है। प्लस इसके साथ ही जब वो फ़ोन कौन सा फ़ोन लॉन्च कर रहा है, पोको F2, उसको हम सोच रहे थे कि कुछ और बढ़ के आएगा, और ज़्यादा बढ़ा के देगा, बट जब उसकी जो स्पेसिफिकेशन लीक हुई है उसमें जो मालूम पड़ा है कि उसने कुछ ज़्यादा कुछ बढ़ाया नहीं है, सेम वैसा ही रख दिया, एक आध चीज़ ही बढ़ा के दी। हाँ, तो दूसरी खबर ये आ रही है कि 2019 में आपको डिज्नी की तरफ से बहुत सारी मूवियाँ देखने को मिल सकती हैं, मूवीज़ देखने को मिल सकती हैं, है नहीं? कुछ मूवीज़ के नाम मैंने नोट कर लिए थे तो मैं आपको पढ़ के बताऊँगा, मेरे को ऐसे याद नहीं है, ठीक है, थोड़ा बहुत याद है। फॉर एग्जांपल जैसे कैप्टन मार्वल है, एवेंजर द एंड गेम है, और मैं आपको बता देता हूँ, ठीक। और ये है आपका कैप्टन मार्वल, और आपका डम्बू, और आपका एवेंजर और एंड गेम, और आपका अलादीन, और आपका डार्क फिनिक्स एक्समैन द एपोकलिप्स की सीक्वल है, ठीक। इसके बाद आपका है टॉय स्टोरी 4, टॉय स्टोरी 3 का सीक्वल है, और उसके बाद आपका स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम, उसके बाद आपका द लायन किंग, और उसके बाद है आपका द न्यू म्यूटेंट्स, जो आपका मूवी देखी हो आपने एक्समैन की जो लास्ट वाली मूवी है, बिल्कुल उसमें वो दिखाया गया कि लोगन मर जाता है, उसके बाद उसकी जो लड़की होती है वो अपने साथ के बच्चों के जो बच्चे म्यूटेंट्स होते हैं उन्हें बचा के ले जाती है, तो उसके बाद का सीक्वल है नहीं। उसके बाद है आपका द स्टार वार्स एपिसोड 9, ये मूवी है, मैंने स्टार वार्स की मूवी देखी नहीं है तो इसके बारे में मुझे डिटेल्स नहीं। तो अगली खबर आ रही है गूगल की तरफ से, गूगल पिक्सल 3 और पिक्सल 3 एक्सल तो इस साल लॉन्च हुए थे, बट पिक्सल 3 लाइट और पिक्सल 3 एक्सल लाइट 2019 के गर्मियों में लॉन्च करने वाला है गूगल इन फोन्स। तो दोस्तों, अगली जो न्यूज़ है वो है हुआवे कंपनी की तरफ से, हुआवे P30 Pro जो स्मार्टफोन लॉन्च करेगा उसमें पीछे की तरफ 3 कैमरे होंगे, इसकी कन्फर्मेशन आ चुकी है कुछ कारणों की वजह से। वो रीज़न्स हैं कि P30 Pro जो हुआवे का स्मार्टफोन होगा उसके जो कवर हैं वो कहीं से लीक हुए हैं कि उनके कवर के पीछे की तरफ 3 होल दिखाए गए कैमरे के लिए, मतलब 3 होल के लिए जगह दी गई है, जिस वजह से यहाँ कन्फर्मेशन आती है कि यहाँ P30 Pro में जो हुआवे की तरफ से आएगा उसमें 3 कैमरे होंगे, ठीक है। एक और खबर Xiaomi की तरफ से, Xiaomi का Redmi Note 6 Pro प्लस Redmi 6A प्लस एयर प्योरीफायर 2S, ये 3 डिवाइसेस हैं जिनके प्राइस इंक्रीज़ होने की फेक न्यूज़ फैल गई थी, जिसके अगेंस्ट MI ने कहा है कि ये न्यूज़ गलत है, जो इनके प्राइसेस हैं अभी बढ़े नहीं हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, तो आप जैसे प्राइस में ये लॉन्च हुए हैं ऐसे प्राइस में आप इनको परचेस कर सकते हैं। तो एक मस्त वाली न्यूज़ ये है कि जिसके पास OnePlus 5 है या OnePlus 5T है, उनको एंड्रॉयड 9.0 का अपडेट मिलना स्टार्ट हो गया है 25 दिसंबर मतलब क्रिसमस से। OnePlus कंपनी ने OnePlus 5 और OnePlus 5T को एंड्रॉयड 9.0 एंड्रॉयड पाई का अपडेट देना शुरू कर दिया है। अगर आप OnePlus यूज़र हो और आपके पास OnePlus 5 और OnePlus 5T हैं और आप अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी से जाके डाउनलोड और अपडेट कर लीजिए अपने फ़ोन को। तो दोस्तों, फिर से अगली खबर Xiaomi की तरफ से आ रही है, Xiaomi का Mi 9 और Mi Mix 4 इन दोनों फ़ोन्स में ट्रिपल कैमरा होंगे और प्लस क्या होगा, स्नैपड्रैगन 855 का चिपसेट होगा। तो दोस्तों,
जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो ये है कि 2019 के फर्स्ट मंथ में आपको HMD ग्लोबल की तरफ से नोकिया का एक स्मार्टफोन आएगा। एग्जैक्टली मुझे उसका नाम याद नहीं है, बट उस स्मार्टफोन में पीछे की तरफ से 5 कैमरे होंगे, जो संसार का पहला एक ऐसा फ़ोन होगा जिसमें पीछे की तरफ 5 कैमरे हैं। अभी तक 4 कैमरों का फ़ोन आया जो सैमसंग ने दिया है, तो आपकी यार आपको 5 कैमरों का फ़ोन देखने को मिलेगा। 5 कैमरे होंगे पीछे की तरफ, कन्फर्म है ये, बिल्कुल ऐसे होंगे गोल गोल करके। इसका एक फ़ोटो यहाँ दिखा दूंगा आपको, ठीक है। अगली जो न्यूज़ है वो है ऑनर की तरफ से। ऑनर ने अपना V20 नाम से एक फ़ोन है वो लॉन्च कर दिया है, जिसमें सामने की तरफ स्क्रीन पर ही एक कैमरा होगा। इस पूरी स्क्रीन होगी और पूरी स्क्रीन पर एक कैमरा होगा, उसको बोला पंच होल सेल्फी कैमरा उन्होंने नाम दिया भाई। तो ऐसा कुछ उन्होंने किया और चाइना में लॉन्च कर चुके हैं, इंडिया में भी आई जाए। और इसी के साथ मैं आज की न्यूज़ फिनिश करता हूँ, और अगली वीडियो में जो ऑनर का V20 है जो चाइना में लॉन्च हो चुका है उसके बारे में थोड़ी सी स्पेसिफिकेशन की, और उसकी प्राइस क्या क्या प्राइस है, किस किस रैम रोम में वो लॉन्च हुआ है, क्या क्या इसमें स्पेसिफिकेशन है, इस बारे में एक वीडियो बनाऊंगा, छोटी सी वीडियो होगी। तो इसीलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे प्रेस करके ब्लैक कर दीजिए, दिल को तसल्ली मिल जाएगी। और रही बात इसकी, उसके साइड में एक बेल आइकन आएगा, उसको जरूर प्रेस कर देना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना।